दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पे, और आज हम बात करेंगे HDMI डिस्प्ले पोर्ट और VGA पोर्ट के बारे में, और जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सा पोर्ट सबसे बेहतर है कनेक्टिविटी के लिहाज से, और समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों ही पोर्ट्स की आवश्यकता हमें कब पड़ती है। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक, आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आप जल्दी से उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो स्पीड बनाए रखो, जल्दी से पहुंचते हैं 10,000 सब्स के लैंडमार्क तक। दोस्तों टीवी या मॉनिटर को कई तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसमें से प्रमुख है HDMI डिस्प्ले पोर्ट या फिर VGA। यहाँ पे ये तीन प्रमुख पोर्ट्स हैं जिसके द्वारा हम आज के तारीख में टीवी से या मॉनिटर से कंप्यूटर को या फिर सेटअप बॉक्स को या फिर गेमिंग कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे VGA पोर्ट थोड़ा पुराना, इसलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं डिस्प्ले पोर्ट और HDMI के बारे में। और यहाँ पे अगर हम बात करें HDMI के बारे में, सबसे पहले तो HDMI में दो तरह के पोर्ट्स होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एक होता है HDMI 1.4 और दूसरा होता है HDMI 2.0, जो आज के तारीख में कॉमनली यूज होता है। आमतौर पर टीवी या मॉनिटर्स में आप इन्हीं दो तरह के पोर्ट्स को देखोगे। तो यहाँ अब सवाल आता है कि 1.4 और 2.0 में फर्क क्या है। HDMI 1.4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसकी जो लिमिटेशन है वो है 4K में 30 हर्ट्ज के डिस्प्ले को ये मुहैया करा सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा। वहीं अगर हम बात करें HDMI 2.0 की, तो ये 4K में 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि रेजोल्यूशन में कोई फर्क नहीं है, रिफ्रेश रेट आपका बढ़ जाता है अगर आप HDMI 2.0 यूज करते हो तो। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि HDMI काफी सस्ता आता है कंपैरेटिवली। और एक और बात जो HDMI के बारे में गौर करने वाली है वो ये कि HDMI अगर आप लगा लेते हो तो अलग से ऑडियो आउटपुट आपको लगाना नहीं पड़ता, ऑडियो जैक्स का झमेला खत्म हो जाता है। यानी कि सिंगल HDMI केबल आप लगाओ और यहाँ पे ऑडियो और विजुअल दोनों ही ट्रांसमिट हो सकते हैं इस केबल से, और ये काफी अच्छी चीज है जो चीजों को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती है, कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। गाइस वही अगर हम बात करें डिस्प्ले पोर्ट्स की, तो यहाँ पे अगर हम लिमिटेशंस देखें इसकी, तो ये जो विजुअल्स ट्रांसमिट कर सकता है वो है 4K में 60 हर्ट्ज तक का और 1080p के रेजोल्यूशन में 144 हर्ट्ज तक का, और इसमें भी वेरिएंट्स अवेलेबल है। यानी कि डिस्प्ले पोर्ट 1.2 या डिस्प्ले पोर्ट 1.3, इस तरह की चीजें आपको देखने मिलेगी, जहां पे डिस्प्ले पोर्ट 1.2 में रेजोल्यूशन लिमिट जो मिलती है वो मिलती है 4K में 60 हर्ट्ज की और फुल HD में 144 हर्ट्ज की। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्ले पोर्ट 1.3 की, तो ये अनाउंस हुआ था सितंबर 2014 में, और यहां पे जो इसकी कैपेसिटी है वो 8K में 60 हर्ट्ज तक के डिस्प्ले को ट्रांसफर कर सकता है। और अगर हम बात करें 4K की, तो यहां पे 4K में 120 हर्ट्ज तक के डिस्प्ले रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। और यहां इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिस्प्ले पोर्ट 1.4 भी मार्केट में अवेलेबल है, जो आज के तारीख में NVIDIA या फिर AMD के ग्राफिक्स कार्ड में आपको देखने को मिलेगा। जनरली डिस्प्ले पोर्ट 1.4 ही यूज होता है। और यहां पे अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, तो डिस्प्ले पोर्ट 1.4 कैपेबल है 4K को 120 हर्ट्ज तक ट्रांसफर करने में, और यहां पे 8K की अगर बात करें तो इवन 8K को भी ये 60 हर्ट्ज तक ट्रांसफर कर सकता है। तो डिस्प्ले पोर्ट 1.4 काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए शायद या यूं कहूं तो जो दो सबसे बड़ी कंपनी है ग्राफिक्स के मामले में, NVIDIA और AMD, ये दोनों ही डिस्प्ले पोर्ट 1.4 यूज करती है अपने अपने कार्ड्स में। और डिस्प्ले पोर्ट के बारे में इन सब चीजों के अलावा एक और बात जान लो कि ये भी HDMI के तरह ऑडियो को ट्रांसफर कर सकता है और इवन हाई क्वालिटी ऑडियो को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो यानी कि ये HDMI के तरह है लेकिन एक लेवल ऊपर है और HDMI से काफी बेहतर है। तो अगर आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है आपके टीवी के साथ या फिर अपने मॉनिटर के साथ, तो रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप डिस्प्ले पोर्ट्स के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। लेकिन पूरी रिकमेंडेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो के अंत में बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको फर्क समझ में आएगा HDMI और डिस्प्ले पोर्ट के बारे में। यहां पे एक बात जरूरी है कि इन तीनों के अलावा, यानी कि HDMI, डिस्प्ले पोर्ट और VGA पोर्ट के अलावा, एक और पोर्ट होता है जिसे कहते हैं DVI। DVI पोर्ट बेसिकली HDMI पोर्ट के तरह ही होता है, उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस HDMI पोर्ट के तरह मिलेंगी। द ओनली थिंग इज आपको उसमें ऑडियो ट्रांसफर नहीं मिलता, DVI पोर्ट्स ऑडियो ट्रांसफर नहीं करते इन जनरल। और यहां पे जो क्वालिटी है वो काफी हद तक डिपेंड करती है DVI केबल्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं VGA के बारे में। VGA सबसे पुराना डिस्प्ले को कनेक्ट करने का सिस्टम है और ये एनालॉग मेथड पे काम करता है। यानी कि आपको इसमें छोटे छोटे पिंस दिखेंगे, अगर आप फोटो को गौर से देखो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। और अगर आपने कभी इसको यूज किया होगा तो ये जनरली मॉनिटर्स के साथ ही मिलता है। टीवी बहुत पहले ही अपग्रेड हो चुकी थी और टीवी में जनरली ये सब मिलता भी नहीं था। अभी टीवी HDMI के साथ
या फिर डिस्प्ले पोर्ट्स के साथ आती है, VGA और DVI के साथ जनरली नहीं आती, वो चीजें टीवीज में नहीं होता। इवन अच्छे अच्छे मॉनिटर्स में आपको HDMI और डिस्प्ले पोर्ट ही देखने को मिलेगा। VGA पोर्ट एक बेसिकली दिया जाता है छोटे और सस्ते मॉनिटर्स के साथ, और इवन आप 15-20 हज़ार तक के भी मॉनिटर्स लोगे उसमें भी VGA पोर्ट मिल जाएगा। इन जनरली दिया जाता है, उसका कोई यूज है नहीं। रिकमेंड आपको कोई नहीं करेगा कि आप VGA के साथ अपने मॉनिटर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। तो यहाँ पे VGA के साथ काफी हद तक लिमिटेशंस है। रिफ्रेश रेट का यहाँ पे कोई अता पता नहीं है, रेजोल्यूशंस का यहाँ पे फुल HD में रेजोल्यूशन ट्रांसफर हो सकती है, बस इतनी ही चीजें हैं। यहाँ पे सबसे पुराने सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लिमिटेशंस तो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो गाइस ये थे इन तीनों मेजर पोर्ट्स के बारे में डिफरेंसेस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा कि इन तीनों में फर्क क्या है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। यहां तक तो एक चीज क्लियर है कि आपको दो मेन पोर्ट्स यूज करने हैं, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट। लेकिन HDMI और डिस्प्ले पोर्ट में एक जो मेजर फर्क है जिसके बारे में हमने पहले बात नहीं किया, वो ये है कि प्राइस इशू बहुत आते हैं। HDMI आपको आज के तारीख में सस्ते मॉनिटर्स यानी सस्ते टीवी में भी मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्ले पोर्ट्स आपको जनरली देखने को नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि डिस्प्ले पोर्ट बहुत ज्यादा कैपेबल होता है, बहुत ज्यादा एडवांस रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है, यानी कि 4K 8K तक के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो ये जरूरी नहीं कि फुल HD मॉनिटर या फुल HD टीवी में आपको डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिले। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो बेसिकली इसका उतना ज्यादा कोई यूज नहीं है। अगर आपके पास HDMI 2.0 कनेक्शन अवेलेबल है तो HDMI 2.0 बेसिकली फुल HD रेजोल्यूशन के लिए काफी हद तक सफिशिएंट है, और ये प्राइस में भी काफी सस्ता पड़ता है। अगर आप सस्ते मॉनिटर्स लोगे तो वहां पे आपको डिस्प्ले पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब मॉनिटर है। ये ध्यान रखने वाली बात है, खराब मॉनिटर या खराब टीवी डिस्प्ले पोर्ट से आप तय मत करने जाना। सो गाइस ये थी पूरी डिटेल, उम्मीद करता हूं आपको फर्क समझ में आया होगा, और अब आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा मॉनिटर या कौन सा टीवी बेहतर रहेगा। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पहुंचा दो प्लीज 10,000K को कंप्लीट हम कर देते हैं जल्दी से जल्दी। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।